गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा चार का व्याकरण का पाठ एक भाषा लिपि और व्याकरण उसका अध्ययन करेंगे। तो पहले हम यहाँ इसमें देखेंगे कि देखिए पहले चित्र में एक बच्चा प्यास पानी मांग रहा है इशारे से, और दूसरे चित्र में नेताजी लोगों को चुप रहने का संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। अब इन दोनों चित्रों में हमने देखा कि ये दोनों इशारों से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने संकेतों से या इशारों के द्वारा अपनी जो बात होती है वो दूसरे को नहीं समझा पाते हैं। तो अपने विचारों को दूसरों के पास दूसरों को सही तरीके से समझाने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसको भाषा कहा जाता है। जैसे जिसमें भाषा ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके विचारों को समझ पाते हैं। अब भाषा के रूप, भाषा के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग दो प्रकार से करता है, एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। तो इस प्रकार भाषा के दो रूप हुए, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, एक दूसरे की या सामने वाले के बातों को हम बोल सुनकर समझते हैं, ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा जिसमें हम अपनी बातों को विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब संसार में अन्य अनेक भाषाएं हैं और बोलियां लिखी भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू आदि प्रसिद्ध भाषाएं। और हमारे देश में हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। अब लिपि, लिपि भाषा का जो लिखने का ढंग होता है वो लिपि कहलाता है। अब प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी की लिपि को देवनागरी लिपि में लिखी जाता है, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, बांग्ला बांग्ला में, और अंग्रेजी भाषा को रोम की लिपि रोमन है। ये लिपि, ये भाषा को लिखने की अलग अलग जो अन्य अलग अलग भाषाएं उनको लिखने की जो लिपि लिखने का तरीका है वो लिपि कहलाता है, और उनकी लिपियां अलग अलग होती हैं। थर्ड इज व्याकरण। अपने विचारों को सही रूप से लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। जैसे तो व्याकरण की मदद से हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के पास सही तरीके से पहुंचा सकते हैं और सही तरीके से दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। तो आज हमने तीन चीजें पढ़ी, भाषा जिस ऐसा माध्यम जिसकी मदद से हम अपने विचारों को मन के दूसरों तक पहुंचाते हैं, उनको समझ पाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जब हम बोलकर प्रकट कर बोलते हैं भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, और जब हम लिखते हैं भाषा को तब वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिपि जिसमें भाषाओं जो भाषा को लिखने का ढंग होता है वो लिपि कहलाता है। और व्याकरण, व्याकरण जिसमें हम पर उसको सहायता व्याकरण की सहायता से हम अपने विचारों को या भावों को प्रकट करने की जो शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना होता है वो हम व्याकरण की मदद से सीखते हैं।